ये मैं बता रहा था टसू जो कि टहल की तरह होता है, वो ना जमीन जो है ना फर्श वाली वो बैठ जाती है। जैसे ना पुत्ते रे आ गई हो, कुछ नहीं मिलना, रोती रहो, कोई केले चले नहीं आने आपके सामने है। हाँ पहले दिखाया है मैंने, इससे मजबूत होता है फर्श। हाँ उन्होंने ऐसा बोला। और दूसरी बात के मोबाइल केला हो जाएगा दो ना प्या, उन्होंने दौड़ा आपने चौकी पे लाए थे। कैसा कहना, कुछ भी नहीं। अब आगे से शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने सिस्टर से, भ्रामों से। वो थोड़ी ढेरे लग रही है वो साइड भी। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है माशाल्लाह, घर में भी सब ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें, वीडियो पूरे वॉच करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो जो भी हमारे लपक उनको छिपाए काम लाता फरमाए, जो भी औलाद लपक उनको औलाद नवरीना था फरमाए, जो बहन भी मेरे लिबास करते हैं लपक उन सबके नसीब अच्छे करें। तो आज के ब्लॉग होने वाला ज़बरदस्त, रहना हमारे साथ है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। हाँ जी कमरान बेटा, पानी शानी लगा के आ गए, सारी फसल फल कर दे, नहीं शाम तक फल हो जाएगी, ढेर सारे पिला दे। अच्छा अब्बू लगा रहे अभी, पहले तो अब्बू बाहर काम से गए थे, वापस आ गए थे, अभी उनको खड़ा कर दिया। आपने चौकी पिलाए थे, कहना कुछ भी नहीं। अभी ट्यूबवेल चलाया, खाद तो डाली होगी, अबू ने डाली खाद भी उन्होंने डाली। आप ऐसे चले गए फिर वापस, ट्यूबवेल चल नहीं रहा था ना, चल नहीं रहा था, अबू आया चल गया। हाँ। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा था, चलो अबू को पानी लगाने के लिए खड़ा दिया है, अब वो काम करेंगे। आप यहाँ पर ना ये काम करवा लो, मिट्टी अपने भाभी के साथ उठवा लो और मजे करो, दोपहर को भी रोटी देंगे, शाम को भी अगर बोलोगे तो पका देंगे, मजे करने हैं। हाँ जी जनाब, मिट्टी सिट्टी उठाई जा रही है तो। हाँ। अभी टाइम मिला जी, अभी मिला, दिन का टाइम पता कितना हो गया है, ये देखे नहीं घर का काम किया थी वो, 10:18 हो गए नहीं घर का काम करके, अभी जो अबू को खाद दे के अभी अभी आई। हाँ जी चलो अब आपका यही काम है मिट्टी उठाना जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो मजदूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उसे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जो बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उसे नसीब अच्छे करे और उसके घर में चार चांद लगा, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है 12 बज गए हैं, पत्नी 11 बज गए, 10:30 होने वाले हैं। हाँ 10:30 जो है हो चुके हैं, तो सुबह का टाइम तो नहीं है क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी नहीं थी, इसलिए हमने सुबह सुबह व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मोबाइल चार्ज किया है, तो फिर अभी अभी व्लॉग बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा व्लॉग जो होने वाला है ज़बरदस्त, वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो जो बहन भाई पता है पूरी वॉच नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे व्यूज़ जो हैं बहुत बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी है, बहन भाइयों आपका ही सहारा है, अगर आप लोग हमारी वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी, तो हमारा चैनल जो है मज़ीद बढ़ेगा। आगे से शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने सिस्टर से, भ्रामों से, जैसे भी हैं मतलब रिश्तेदार सबसे हमारा चैनल शेयर करें, अच्छी अच्छी हमारे से वीडियो होती हैं, हम नहीं झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी होता है सच बोलते हैं। तो व्यूज़ जो हैं बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो बहन भैया मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आगे से अपने घर का खर्चा भी चला सकें और जो बच्चे हैं मजदूर हैं उनके लिए भी उसका इलाज करवा सकें। ओके हो गया। हाँ जी अभी ये मिट्टी उठा उठा ले। हाँ जी सियाना पुत्ते रे आ गई हो,
अम्मी के पास ये क्या बना रहे हो? गुड़िया? अपने गुड़िया बनाओगी? अच्छा, तेरे आपकी गुड़िया बनती है? वो आपके बड़े वाले गुड़िया कहाँ है? उधर रखी है? वो तो तोड़ दी थी। किसने तोड़ी थी? कमरान ने। अब ये डेली अम्मी से एक टुकड़े ले जाती हो और नया बनाती हो। खाना वाना खा लिया? चाय चाय पी ली? नहीं पी? चाय पी ली? रोटी शोटी खा ली? सुबह सुबह उठ गई थी? सबसे पहले उठती हो? नमाज शमाज पढ़ी थी? चलो अच्छा किया ना। अब बोल सुनाओ मीठे मीठे। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो काफी है। अच्छा ठीक है, दुआ भी कर दो। दुआ कर दो पुत्तेरे, स्टेहाना पुत्तेरे, दुआ कर दो पुत्तेरे, बहन भाइयों के लिए। हाँ जी, नहीं तो किसी चीज के पैसे नहीं आने आपके लिए। दुआ करो ना पुत्तेरे, फिर किन्नू मैं ले आता हूँ। अभी अभी अब दुआ करोगे तो किन्नू ले आऊंगा, केले भी, केले भी ले आऊँ। चलो दुआ करो, अभी केले लेके आते हैं, माल्टे भी। दुआ करो, आपको नहीं बोल रहा, ऐसे नहीं होती वो हाथ से। चलो खाओ, मैं आपको खिलाता हूँ केले। ज्यादा सर पे चढ़ते जा रही हो, कुछ नहीं मिलेगा, अब रोते रहे। घंटा हो गया मिनते कर रहा हूँ, दुआ करो दुआ करो। ऐसे नवाब साहब बनते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलना, रोते रहो, कोई केले चले नहीं आने। चाहे रो चाहे जो करो, अम्मी इस चैनल को रोटी शोटी भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। अच्छा नहीं मानती थे, कोई अच्छी बात कर। ओए ओए, हाँ तो आ मांग ली है माशाल्लाह। अब बहुत सारी चीजें देनी है चैनल को, जो चीज है ना इस चैनल को ही देनी है। केले, मालते, अमरूद, फ्रूट, सारा कुछ इस चैनल के लिए ले आएंगे, ठीक है? अब खुश हो पुत्तेरे। चलो आप बताएं, ठीक तबीयत सेहत का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, ये फिर से वही काम? ए सिराने दे गुथलियां बढ़ा रही हूँ, ऐसे विचलिया खूब कपाह वाले। वात सिराने क्या, पहले सवड़े की बना रही थी? हाँ जी सवड़े की बना रही, बल्कि सवड़े की नहीं बनाई, मोल ले आई। पहले रजाइयों वाले वो नहीं मिले, वो उधर से बाजार से लेकर आए थे, नहीं बने। और ये अभी तकियों के लिए बना रही हैं, तकियों के अंदर भी डाली जाती है? हाँ जी, इसमें कपाह डालती है। हाँ इसे कपाह डालूंगी फिर वो थोड़े छोड़ जाऊंगी। हाँ, ऊपर से सोना कपड़ा होता है ना, नीचे से इसमें कपास भरी होती है, ऐसे मोटा मोटा। चलो बाकी और सब सुनाए तुम्हें सेहत का? आज पानी लगा रहे अब जी। वो मालिक नाराज हो रहा था ना, आठवां दिन आप हो रहा था पानी लगा। हाँ जी, ये कमरे में ढेर दिन रोज देना तो पानी देना, वो गंदम पीली हो जाएगी। तो आज गंदम में पानी लगा रहा है। चलो खाद साथ भी डाले थे? हाँ जी, खाद भी साथ डालता है तो पानी भी। तो आप गए थे ना भी खाद देने? हाँ मैं खाद पहुँचा के वाली हूँ, मैं कोई चटनी थोड़ी है। वो खुद डालते हैं? हाँ, पानी भी खुद लगाते हैं? खुद पानी लगाते हैं तो डालते भी है तो सारा कुछ, हम तो सिर्फ कुछ आने ही हुआ। अच्छा चलो, वो आज मैंने सुना है कोई कमरे का सामान आया है थोड़ा बहुत। हाँ जी, ये इतना आया है फर्श के लिए, फर्श वाले ईटे। हाँ जी, वो कैसे आती है? तुम्हारे सामने है टसो, टाइल की तरह। हाँ इसे टसो बोलते हैं, टसो टाइल होती है भाई, देखो बड़े वाली होती है छत वाली, ये छोटी होती है।
ये चलो इतने को बिछा के फिर उसको प्लास्टर करेंगे। हाँ जी ये अच्छी होती है, प्लास्टर नहीं पटेगा। चलो वो आइडिया तो मिस्त्री ने दिया था ना, अभी ये जाना मिस्त्री साहब जानते हैं किचन का शापर किचन का पे वो अपना परनाला पे उनका फर्श द इतना तय है किचन के। अच्छा सारा कुछ आ गया है। हाँ जी अभी आज बेटा सो लेने गया पहले या यही है? नहीं है नहीं और भी यहाँ नहीं है। नहीं ये 2000 ये 2000 है। हाँ जी नहीं मैं अभी दिखाता हूँ 2000 है या नहीं। 500-500 हुई है अभी और लेने गए पता नहीं। तो ये देखिए अंदर का माहौल, फरमान भाई वाला रूम है, पंखा भी वैसे खड़ा है और ये बाकी ओए पागल ना पुत्र मोबाइल केला हो जाएगा धोया ना प्या उन्होंने धोना पंखे को कौन धोता है पागल हो खराब हो जाता है सारा। अच्छा चलो जी ये तराई हो रही है जैसा कि आपको बताया है, ये इधर से पानी लगा दिया है सर पे और नीचे देखे चिकन भी हो गई है ये चार और अभी ऊपर वो साहब जाना मुनीब लगा रहा है। फरमान भाई जो अपना काम कर रहे हैं और मुनीब को दिया कि आप लगा दो। ये इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करेंगे और इसका दूसरी साहब जो है बाहर वाली उसको भी अभी लगाना है। अभी फ़िलहाल ये अंदर वाले साइडें लगा लें फिर बाहर वाले लगाएंगे फिर कल जो है ना इसका प्लास्टर होगा इंशाल्लाह। पैदल खड़े हैं फरमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए बात तबीयत सेहत का हाल ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए आपकी तबीयत कैसी है? मस्त माहौल शानदार तबीयत। आप बताएं। बस ठीक है काम कर रहे हैं आपके सामने है। हाँ पहले दिखाया है मैंने ये पानी सेने लगाया जा रहा है, लगता है आपके रूम का प्लास्टर का काम शुरू होने वाला है तभी डट के मेहनत किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल यही तो काम है, मेहनत कर रहे हैं, अबू पानी लगा रहे हैं, हम इधर लगे हुए हैं और बाकी जो फालतू बंदे बच गए हैं। हाँ परले शहर मारे ना ये न्यू कमरे को ना मारे भाई अभी वो जो बच गया है उसको फिर ना वो मिट्टी पे लगा दिया है जो जो आपकी वाइफ हो गई मेरी वाइफ हाँ। हो गई। अच्छा वो तो हाँ वो तो मिट्टी उठा रहे हैं। हाँ जी और अभी मैंने अंदर से भी ये रूम दिखाया और अभी सोचा बाहर से भी दिखा दूँ। हाँ जी और यहाँ पर आया तो आप सारा मोबाइल जो है ना पुसा रहे हैं ट्रेड़े आ रहे हैं। क्या करूँ अब काम भी नहीं रोकना ना ये सारा दिन ऐसे करना है मेरे जिम्मे है। चलो कोई नहीं मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। हाँ जी फिर इंशाल्लाह तराई करवाऊँगा मैं भी। हाँ आप आ जाना कुछ चलो मुझे सहूलत हो जाएगी कुछ मैं भी काम कर लूँगा। और मुबारक सही मुबारक खैर मुबारक आपका रूम प्लास्टर होने वाला है। हाँ जी खैर मुबारक जी। आज वो टस्सू टैल भी आ गई है। हाँ उसको बोलते हैं टस्सू की टैल। हाँ जी एक तो छत पे लगाने वाली होती है। हाँ जी दूसरी टस्सू टैल होती है फर्श पे लगाने वाली। अच्छा वो रोड़ा आपको पता है खराब होता है। हाँ जैसा कि अब वो बता रहे थे जी बिल्कुल पता है। उन्होंने मिस्त्रियों से मशवरा किया। मिस्त्री ने बताया कि वो रोड़ा जो है ना वो जल्दी फर्श जो है ना टूट जाता है। आप ये टस्सू टैल ले हैं इससे मजबूत होता है फर्श। उन्होंने ऐसा बोला और दूसरी बात कि वो भी ले आए हैं और चिट्टे सीमेंट की बोरी। हाँ सफ़ेद सीमेंट लगाएंगे ना। हाँ जी वो बहुत काम की चीज़ है। हाँ जी एक किस्म का कलर भी हो गया। हाँ जी और ये ना पक्का भी कह देती है फर्श को। वो एक बोरी इसलिए सफ़ेद। हाँ जी वैसे समझे आपका रूम जो है ना कलर हो जाएगा सफ़ेद और कभी उतरने वाला नहीं है ये देखें। माशाल्लाह और आपके कपड़ों को भी नहीं लगेगा ये भी वजह है। ऐसा पक्का कलर होता है। चलो अब तो आ गया है सामान। हाँ, से आ गया बस शुरू करना है अब। बाकी मैं देख रहा हूँ वो पता नहीं और टस्सू टैल लेने गए हैं या यही है या पता नहीं और है या एक कमरे की आई होगी या दोनों की आई है। यार एक कमरे की आई है 2000 तो अब बोल रहे थे। हाँ
2000 शायद लग जाएगी, अगर बच गए तो वो किचन बता रहे थे कि किचन का फर्श डालना है, तो इसलिए 2000 ईंट मंगाए थे। अभी तो मुझे लगता है 1000 ही आई है जैसे देखा जाए तो। चलो और ले आएंगे अगर होगी तो, नहीं तो फिर यही होगी जो आ गई है। हाँ, आपका एक कमरा अभी प्लास्टर करना है ना, दूसरे की तो अभी फुर्सत है नहीं। हाँ जी, तो दूसरा करेंगे तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, परेशान ना हो। नहीं, मैं परेशान नहीं होता कौशल। आप ऐसे हमारी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, आपका रूम बनेगा इंशाल्लाह, कमरा आपका प्लास्टर होगा। हाँ जी भैया, हम तो डेली मेहनत कर रहे हैं। ऐसे मेहनत करने वाले तो बने, जब से रूम स्टार्ट हुआ है सारी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, और कल मैंने वो मिट्टी भी उठवाए थे काफ़ी सारे। हाँ जी, आज भी उठवानी है मिट्टी भी, और ये तराई भी करवानी है। हाँ, वो आप मिट्टी उठवा लो, ये तराई चलो मैं अभी कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये देखें हमारे भर्ते जो है मुकम्मल होने वाले है, मेहनत कर रहे हैं अभी भी। कौशल भी है, भाभी भी है, कमरान भी है, मुनीब भी है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ इस साइड से पूरी है, और वो जो है ना नीचे वाले साइड वो थोड़ी ढेरे लग रही है, वो साइड भी और ये साइड भी। हाँ जी, तो यहाँ पर जाना अभी ये डाल रहे हैं, वो देखिए शुरू से डाल रही है भाभी माशाल्लाह। अब वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह ऐसे ही तोड़, तो ये नाम भरते मुकम्मल हो जाए। सयाना पुत्र, आप भी उठा रही हो? सयाना भाग गई है। चलो, ये भरते जाके पहले बहुत झेका खाड़ा खड्डा था, गहराई थी, तो ये देखिए अब सफेद कितने ऊपर आ गई है, अब बंदे का हाथ भी पहुँच जाएगा। इतने नीचे पहले तो ऊँचे लगते थे, अब भरा डालिए ना तो ये बिल्कुल ऊपर आ गया, कौशल भी आ गई वो देखिए। हाँ जी, आपको जो बोला ये भरा डलेगी फिर ऊँचा हो जाएगा, हो गया ना ऊँचा, अब देखे कितना फासला है शतीर से। तो ये देखें, ये मैं बता रहा था टस्सू जो कि टैल की तरह होता है, ये भी है, देखिए कितना छोटा है, और टैल को देखिए कितनी लंबी है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का होता है, ये मोटा होता है, वो बारीक होती है, ये जो है फर्श के लिए होता है और वो छत के लिए होती है। तो फर्श के लिए जो है ये मंगाई है, और अभी ये आई हुई है तकरीबन 500 वो 500 ये 1000 जो है ये आ चुकी है, और बाकी जो है वो लेने गए कि अब तक कितनी है। दो जो है ना बैल और रेड़ी से उठा रहे हैं, बैल गाड़ी से उठा रहे हैं, अभी वो लेने गए हैं, वो आ जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। और ये जो है ना फर्श के लिए मिस्त्री साहब ने खुद बताई है कि ये अच्छी है, फर्श जो है ना इससे टूटता नहीं है, जैसे कि एक किस्म का रोड़ा होता है ना, रोड़ा हम डाल देते हैं, वो भी सीटों का होता है, तो वो ना ज़मीन जो है ना फर्श वाली वो बैठ जाती है, तो बहुत नुकसान होता है, इसलिए ना हमने ये टस्सू मंगाया। और ये ना मजबूत करता है फर्श को, जितने भी बंदा वजन रख दे ये नीचे नहीं बैठते ज़मीन, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मिस्त्रियों ने खुद आटा दिया है तो हम ये मंगवा लिया है, बोले अभी और भी है, वो आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो आ जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कितना है। और फर्श जब ढलेगा, जब भी प्लास्टर का काम शुरू होगा सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और अभी जो है ना इसमें भरते डाले जा रहे हैं, कमरान और कौशल जो है ना वो डाल रहे हैं, आज इंशाल्लाह भरते भी पूरी हो जाएगी। फरमान भाई जो है बहुत खुश है, वो तराई कर रहे हैं अपने रूम की, तराई जो है मुकम्मल करेंगे तो कल इंशाल्लाह उनका प्लास्टर होगा रूम। भाभी को देखे पानी पी रहे हैं, अंदर काम करवा रहे थे, प्यास लगे तो पानी पीने आ गई। तो कमरान जो है मेहनती बच्चा है, मेहनत कर रहा है माशाल्लाह, सारा दिन काम करवाता है। कौशल जितना तेज़ है ना, कौशल जितना मेहनती है, इस घर में कोई बंदा नहीं है, कौशल के अलावा कोई बंदा मेहनती नहीं है जितना कौशल काम करती है। अच्छा, तो अंदर आपको चलते हैं, वो तराई भी दिखाते हैं कि फरमान ने कितनी तराई कर ली है, जो कि प्लास्टर होने वाला रूम है सेंटर वाला, वो अभी तराई कर रहा है फरमान। सीमेंट जो आपको कल कुछ दिखाए थे, कुछ जो है वो रखी है, रात जो है कुछ और आ गई थी तो वो आपके सामने देखे वो रखी है, और एक जो है ना इसमें एक सीमेंट जो है ना सफ़ेद बोरा,
दूसरे जाना काले बोरे हैं और ये सफेद बोरा है। ये पता है किस लिए है सफेद बोरा? ये मिस्त्री साहब ने बोला है जैसे कि हम प्लास्टर करेंगे ना, इसको फर्श डालेंगे, पूरा प्लास्टर करेंगे, मुकम्मल रूम जब प्लास्टर होगा तो इसके साथ साथ ये जो है ना सफेद सीमेंट इसको भी ऊपर लगा देंगे, जैसे कि एक किस्म का कलर होता है, चूना होता है, लाल करवाओ, पीला, नीला, सावा, चिट्टा, जैसा भी ये किस्म का चिट्टा कलर है, मतलब कि सफेद कलर, तो ये इसको ना पूरे रूम पे लगाएंगे तो ये कलर का कलर भी हो जाएगा और ये उतरता भी नहीं है, ऐसा पक्का कलर होता है, ये उतरता भी नहीं है, और बाकी जो है ना वो प्लास्टर वो भी बहुत चमकदार बन जाता है।